Ali. बाबा रुद्रमाला के 108 ही मणके हैं, जो राजा बनते हैं। और ब्रह्मा तो रुद्रमाला के मणकों में नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो राजा विक्रमादित्य बनते हैं। वो फिर कैसे बन जाते? तो जानते हैं, रुद्रमाला है लंगड़ों की माला, जो पवित्रता के लंगड़े हैं उनको पवित्रता का सहयोग चाहिए। और वो सहयोग मिलता है विजयमाला से। विजयमाला सारी की सारी ब्रह्मा के फॉलोअर्स ग्रुप से ही आती है। रुद्राक्ष में भी मुख गाए जाते हैं। कोई में एक मुख, कोई में अनेक मुख। उन मुखों में भी नंबरवार हैं। रुद्राक्ष के मणकों में ऐसा कोई भी मणका नहीं है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश न करती हो। तो प्रवेश करेगी तो कुछ सेवा करेगी या नहीं करेगी? संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? तो आधा साझा हो जाता है। और प्रवेश करने वाली आत्माओं को भी भागीदारी मिल जाती है। और वो भी राजाएं बनते हैं। विक्रमादित्य कोई राजा द्वापर का ही नहीं, सतयुग के आदि में भी वो विक्रमादित्य की सोल कहो, कृष्ण की सोल कहो, ब्रह्मा की आत्मा कहो, राजा ही लेती है। और त्रेता में भी राजा ही लेती है। विजयमाला से पवित्रता का सहयोग नहीं मिलता है? कब से मिलेगा? जब आप विजयमाला का आह्वान करेंगे। आह्वान करने के लिए तो बताया ना,
और वरदान मिलने का आधार क्या है? वरदान प्राप्त करने का आधार क्या है? ज्ञान वरदान वरदान प्राप्त करने का आधार है। वरदान प्राप्त करने का आधार है प्योरिटी। तपस्या और त्याग ब्रह्मा से विधर्मियों को भी वरदान प्राप्त होते रहे। कितने दैत्यों को कितने राक्षसों को वरदान प्राप्त हुए। उनकी त्याग और तपस्या से खुश होकर के वरदान मिले। ब्रह्मा को वरदान किससे मिला? ब्रह्मा को वरदान किससे मिला? बाप से। आश्रमों के अंदर तो प्योरिटी होती नहीं है, उनको वरदान कैसे मिले? तपस्या से प्योरिटी आती है ना, लेकिन बिना प्योरिटी के तपस्या तो खड़े क्या? वो तपस्या करते हैं माने आत्मिक स्थिति में जबरियन रहते हैं। आत्मिक स्थिति में रहना ही तपस्या है। दूनी लगा के बैठ जाते हैं। जो भी वरदान मिलने थे वो मिल चुके हैं या अभी और भी मिलेंगे? है वरदान जो भी मिलने थे वो मिल चुके हैं या अभी और भी मिलेंगे? तो ले चुके। सबसे बड़ा वरदान वाला क्या है? ऐसे तो सबसे बड़ा वरदान है पवित्र बनो योगी बनो। मुरली में बोला है बाप पाप में पाप बढ़ाने के लिए रहम करते हैं, तो वो रहम कैसे करते हैं? ये तो विख्यात है कि अति कांत होता है। जब तक अति नहीं होगी तो अंत नहीं हो सकता, और जब तक इस पुरानी दुनिया का अंत नहीं होता है तब तक नई दुनिया संसार में प्रख्यात भी नहीं हो सकती। इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए तुरंत गाया हुआ है शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो हुई ब्राह्मणों की, परंतु उनका नाम बाला तब होता है जबकि जो शूद्र हैं अब्राह्मण हैं उनका खलासा हो जाए। तो दुनिया का खलासा होना ये सबके बस की बात नहीं है। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, बड़े बड़े महात्माएं आए, विवेकानंद आए, पुरानी परंपराओं का विनाश तो कोई नहीं करा पाया। पुरानेपन का विनाश, पुरानी कुरीतियों का विनाश किसी ने नहीं कर पाया। पुराने धर्म पुराने राज्यों का विनाश नहीं कर पाया, क्योंकि विनाश के लिए चाहिए
उतनी ही इम्प्योरिटी की पावर जितनी स्थापना के लिए प्योरिटी की पावर होती है। और धर्म पिताओं ने आकर के अपनी अपनी प्योरिटी से धर्म तो स्थापन किए, परंतु पुरन खंडे धर्माधीशों का मुकाबला कोई ने नहीं किया। अपने धर्म की धारणाएं स्थापन करके चले गए। इसके लिए तो एक ही बाप है, जो इस सृष्टि पर आता है सब धर्मों का खंडन करा देता है, सब पुरानी परंपराओं का खंडन हो जाता है। मंडन होता है प्योरिटी से और खंडन होता है इम्प्योरिटी से। बच्चों में भी नंबरवार प्योरिटी और इम्प्योरिटी के संस्कार हैं। सतो प्रधान होते हैं तो प्योरिटी होती है, तमो प्रधान बनते हैं तो इम्प्योरिटी आती है। परंतु इतनी प्योरिटी इम्प्योरिटी के संस्कार नहीं है जो अति करा के अंत कर सके। ये काम एक बाप का है, इसलिए बोला कि पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। बच्चे तो लटकते रहते हैं, रखड़ते रहते हैं, अति तो नहीं कर पाते। और हाँ जी, जैसे मुरलियों में जगदम्बा की बहुत महिमा की गई है और कहा गया है कि जगदम्बा के ही ज्यादा मेले जो है वो लगते हैं और देवियों के इतने मेले नहीं लगते। और साथ कहा गया है कि ये संगम पार जरूर जगदम्बा ने बाप से ज्यादा मिलन मेला बनाया होगा। इन बातों के जस्ट अपोजिट उसका काला पाठ भी दिखाई दिया। जगदम्बा का नहीं, महाकाली का। तो काला पाठ जगदम्बा है सतो प्रधान स्टेज। जगदम्बा तब है जब जगत पिता की संगिनी बनी और जगत माता के रूप में तब कही जाती है जब सब धर्मों से उसका कनेक्शन हो। वो भारत माता नहीं है, सिर्फ भारतवासियों से कनेक्शन नहीं है, सारे जगत सब धर्म वालों से, इस्लामियों से, बौद्धियों से, क्रिश्चियन से, सब बच्चों की अंबा है। तो कितना संघ का रंग लगता होगा, तो तामसी वृत्ति भी आती है। इसलिए तामसी स्टेज में है महाकाली चंडिका और सात्विक स्टेज में है जगदम्बा दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली। मुरली में है कि ड्रामा में उनके लिए रॉन्ग भी है, ड्रामा में तुम्हारे लिए राइट ही है। ड्रामा में हमारे लिए रंग नहीं है। दर्शाया कि उनके लिए रॉन्ग भी है अभी और अभी तुम्हारे लिए राइट ही है। हाँ, अभी वर्तमान में संगम युग में हमारे लिए राइट भी है और उनके लिए रंग ही है, क्योंकि वो पूरी बात समझते नहीं है।
हम राइटियस को पकड़ते हैं तो हमारे लिए राइट है, वो लेफ्टिस्ट धर्म पिताओं को पकड़ते हैं तो रंग हो जाता है। तो ड्रामा दोनों के लिए कल्याणकारी नहीं है, फिर तो वो भी स्वर्ग में आ जाने चाहिए, उनको भी बाप से वर्षा मिलना चाहिए, बाप से डायरेक्ट वर्षा उनको तो नहीं मिलता, हम तो बाप से डायरेक्ट लेते हैं। कोई तो भूत प्रेतों से वर्षा लेते हैं, देवताओं से भी नहीं ले पाते। सत्य ग्रह और अनशन इनमें क्या अंतर है? सत्य ग्रह सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह, आग्रह माने हठ, सत्य के लिए आग्रह, हठ करना माने सत्य को सिद्ध करना, जबकि सत्य को सिद्ध करने की दरकार है ही नहीं, सत्य तो स्वयं ही सिद्ध है, उसके लिए कोई आग्रह वगैरह करने की दरकार नहीं है। और अनशन करना भी अठयोग है, ये तो आपघात जैसा हो जाता है। बहुत छोटी उम्र से बच्चों को जमीन में दबाया जाता है, है? उसका राज यही है कि छोटी उम्र वाले माने बच्चा बुद्धि, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो अल्प बुद्धि है, ये सब बच्चा बुद्धि है सूर्यवंशियों के अलावा, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि, पूरा ज्ञान उठाते नहीं है, सच्चाई को पूरा पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए देवान रह जाता है। देवान रहना माने मिट्टी में दबा जाना, देवान को ही मिट्टी कहा जाता है। ये, क्या ये मालूम है कि मेरे में शिव की प्रवेशता नहीं होती है? अब तो मालूम हो गया, इस चीज को वो छुपा के क्यों रखती है, क्या इसका दोष क्यों करने लगेगा? है वो अकेली छुपा के रखती है क्या, कि उनका पूरा संगठन है? सबसे बड़ा दोषी तो वही है ना जो जिनके तन में है, उन्हें तो पता भी नहीं चलता है, जब उनमें सोल प्रवेश होती है तो उनको तो कुछ याद भी नहीं रहता, वो तो परवश हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा दोष उनके ऊपर आ जाएगा ना, अगर वो जानते हुए नहीं बताएं, वो तो खुद ही अज्ञानी हो जाती है। सोई हुई जैसी अवस्था हो जाती है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि मेरे अंदर कौन आया, कब आया, कहाँ कितनी देर रहा। इसमें उनका दोष गिना जाएगा? किसी आत्मा ने आकुपाई कर लिया तो उनका दोष क्या रहा? दोष इतना ही रहा कि ब्रह्मा बाबा उन्हें बुलाते थे तो उन्हें जाना चाहिए था, वो नहीं जाती थी, भाग जाती थी, सारा जीवन ऐसे ही चक्र चलता रहा, बाबा का मोह उनमें बना रहा, अंत तक अंत मते सो गते हो गई। गुरबाणी में चल जाता है असंख्य चोर आराम हुए है जी, इसका क्या? दुनिया में चोर असंख्य नहीं है क्या? है सारी दुनिया चोर, सारी दुनिया के लिए बोला गया असंख्य, क्या असंख्य माने जिनकी संख्या ही नहीं है, संख्या में नहीं बांधा जा सकता उनको, इतने चोर हैं, क्योंकि गुरु नानक तो आए ही कलयुग में है,
तो कलयुग में तो जो चोर चोर चकार और झूठे उनकी संख्या बढ़ जाती है या कम होती है? बढ़ जाती है। तो उन्हें जो दिखाई पड़ा सो उन्होंने सच्चा सच्चा लिखा बोला। जो बिना बच्चे के शिव बाबा से मिल लेते हैं पर ज्ञान में आते भी नहीं, वो भी स्वर्ग में जाएंगे सर? वो जानते ही नहीं तो स्वर्ग में कहाँ से आ जाएंगे? भगवान से तो मिलते हैं। अरे जानते ही नहीं ना, ऐसे तो ढेर सारे मिलते रहते हैं, उससे क्या होता है? मुख्य बात तो नॉलेज की है ना। बहुत ये भी बोला है ना कि मेरे मुख से दो बाबा के स्वर्ग में क्यों नहीं है? मेरे मुख से तो उसको ज्ञान है कि मेरे कौन है। कहने वाला जो मेरे बोल रहा है वो भगवान बोल रहा है ना, तो सुनने वाला अगर उसकी बुद्धि में बैठा है कि मैंने भगवान के बोल सुने तो जरूर स्वर्ग में आवेगा। जैसे दिल्ली जड़ और चेतन दो है, धरनी जड़ और चेतन दो है, ऐसे समय भी जड़ और चेतन दो है। समय तो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये जड़ है। चेतन कौन है? समय। उस ड्रामा के ऊपर जो कंट्रोलर है उसे महाकाल कहा जाता है। जो पूरे 5000 वर्ष से ड्रामा के ऊपर काबिज रहता है और आत्माएं ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है, एक आत्मा है जो ऑलराउंड पार्टधारी है, इसलिए वो ही महाकाल है। लेकिन समय को तीन सुइयां दिखाई है, समय को तीन सुइयों के द्वारा दर्शाया गया है। है ब्रह्मा विष्णु हूं महेश ये तीनों हूं समय की सुइयां, जबकि समय एक होना चाहिए। सेकंड की सुई है वो सेकंड बाय सेकंड आगे बढ़ती है, मिनट की सुई है वो मिनट बाय मिनट आगे बढ़ती है, एक घंटे की सुई है जो एक घंटे में थोड़ी आगे बढ़ती है, तो पूरा पूरा चक्कर लगाने में कौन सी सुई ज्यादा जाती है? है सेकंड वाली ज्यादा है, सेकंड बाय सेकंड। एक मिनट में ही पूरा चक्कर लगा लेती है, से भी बड़ा। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा में समय? हाँ ड्रामा में हाँ ड्रामा का मतलब हो गया समय। हाँ समय क्या ड्यूरेशन को ड्रामा कहा जाता है। चैतन्य में कैसे ड्रामा तल्ले में चैतन्य में हाँ वो ड्रामा जो समय था वो चैतन्य में पार्टदारी कौन होगा? चैतन्य में जो पार्टदारी है वो अपना भाग्य बना लेता है ना। साथ में उसको सेकंड वाली सुई और साथ में जो सेकंड बाय सेकंड सर्विस कर रहा है, हर सेकंड सर्विस कर रहा है। एक सुई है मिनट बाय मिनट सर्विस कर रही है, एक 12 घंटे में कहीं एक चक्कर लगा पाती है। तीन ही तो सुइयां हैं,
ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। बाबा 2014 में क्यों 12 में हुआ तो 13 में उनका शुरुआत कब से 98 98 को थोड़े गिनेंगे 99 को गुना जा सकता है। जब बोला है कि बाप दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, हाँ जी, उसके बाद पांडुपति तो गुप्त हो जाते हैं, पांडुपति तो गुप्त हो जाते हैं, ठीक है, उनका काम पूरा हो गया। अभी पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, ये एक बीज का गायन है या 5 पांडव मैदान में हैं? है? अभी एक के लिए ये गायन है या 5 पांडवों के लिए ये गायन है? एक के लिए है, फिर पांडव भी प्रत्यक्ष होंगे। और नटराज की मूर्ति को एक छोटे बच्चे के ऊपर डांस करते हुए दिखाया गया है, वो नटराज कौन है? और छोटा बच्चा कौन है? है कृष्ण वाली आत्मा। जैसे कृष्ण को डांस करते हुए दिखाया है किसके ऊपर? नाग के ऊपर। तो वो नाग कौन है और कृष्ण कौन है? हाँ, 5 विकार तो है। 5 विकार किस में भरे हुए हैं? देहभान में 5 विकार भरे हुए हैं। तो देहभान का रूप कौन है? और कृष्ण कौन है? कृष्ण का पार्ट किसका है? है? जो नटराज दिखाया है वो ही कृष्ण है। शिव बाबा ही कृष्ण है। कृष्ण नाम दे दिया है शास्त्रों में, वास्तव में काम किसका है? शिव बाबा का। और वो डांस किसके ऊपर कर रहा है? नाग के सर पर। कौन है वो शेष नाग? वासुकी नाग, कालिया नाग? रावण को जब 5 सिर दिखाते हैं तो 5 सिरों का बाप कोई दिखाते हैं? देवन गदा। तो पार्ट किसका है? तो उसको कंट्रोल करते हुए दिखाया गया है। जैसे शंकर को दिखाते हैं बैल के ऊपर सवार किया, कंट्रोल किया। शंकर को किसने कंट्रोल किया?
शिव ने कंट्रोल किया। तो शिव तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, हो तो गायन नहीं चलता। यहां तो मूर्ति की बात है, नटराज मूर्ति की, तो मूर्ति तो साकार से बनती है। तो शिव बाबा का जो पार्ट है वो नटराज का हो गया, और छोटा बच्चा ब्रह्मा बाबा ही हो गया। क्या लिखा है, पूरे गांव का दास। नीच कुल बुरे गांव का वास, ये कौन है? लिखा है बुरे गांव का वास, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख लड़का, विधवा स्त्री, ये छह। बिना आग के शरीर को जला दिया जाता है। बुरे गांव का वास क्या होता है? शरीर कौन सा शरीर होता है बुरे गांव का वास? नीच कुल की सेवा, इसका कौन सा शरीर होता है? बुरा भोजन, बिना आग के जलाए जाते हैं। बात क्लियर नहीं है। बिस्क वाले बोल रहे हैं टू लेट का बोर्ड लग चुका है, बेसिक वाले बोल रहे हैं कि अव्यक्त बाप दादा ने बोला। अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि टू लेट का बोर्ड लग चुका है। दादा ने बोला, बाप ने तुम्हें बोला। क्यों नहीं बोला? बाप और दादा अलग अलग हैं, कंबाइंड हैं, एक ही हैं। वो अलग अलग बोलते हैं क्या? बाप ने जो कुछ मुरली में बोला उन महावाक्यों को ब्रह्मा की सोल, दादा की सोल काटती है कभी क्या? हैं? कभी काटती है? नहीं? तो उन दोनों की तो बोल ही एक है। टू लेट का बोर्ड लग गया का मतलब यह है कि चार दाने सूर्यवंश से, चार दाने चंद्रवंश से, तो चार जोड़ियां हो गई। दो तो पहले ही बता दिए थे, सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों का बीज।
काशीराज और काशी नगरी, बाकी जो दो हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश के बाद दो पावरफुल धर्म कौन से हैं? इस्लाम और बौद्ध। क्रिश्चियन तो बाद वाले, वो भी सेवा के हिसाब से प्रत्यक्ष हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो स्थापना और पालना होती है निमित्त मात्र तो हैं काशीराज और काशी मां, लेकिन वो अकेले कार्य व्यवहार नहीं चला सकते। उनके भी कोई खास असिस्टेंट होने चाहिए। जो फाउंडेशन में मददगार बन सके। इसलिए बोला है बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते, बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, साथ रहते हैं का मतलब कंधे पे चढ़ के रहने की बात नहीं है। उनका कोई भी कार्य व्यवहार उन बच्चों के बगैर नहीं चल सकता। बाप का बच्चों के बगैर नहीं चल सकता और बच्चों का बाप के बगैर नहीं रह सकता। जैसे कि सदैव कनेक्शन जुटा हुआ है। है हाँ, पालना कौन करेगा? इनमें मिलिट्री ग्रुप में पार्ट बजाने वाला कौन है? पालना करने की पावर प्योरिटी में ज्यादा है या इस्लाम में ज्यादा है? हाँ, प्योरिटी में पालना करने की पावर ज्यादा होती है, इसलिए बौद्ध है। और मिलिट्री सबसे अच्छी किसकी है? इस्लामियों की। जिस ओर हम इससे गुनाह करें तो उसको जमा करने पर अंतिम उत्तर का मूल ही नहीं है। तो बाकियों में बाकी अंश मालूम है किसी अंत में ऐसी विशेषता नहीं है। क्या बोला? जो नौ अंक है उसको किसी मर्जी और अंक से उसको गुना किया जाए। किससे किससे गुना किया जाए? नौ अंकों को। नौ अंकों को किससे गुना किया जाए? अंक माना बाबा जो नौ अंक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ वाला अंक उसको जिस और अंक से गुना किया जाए उसको जमा करने पर अंत में जो उत्तर है उसका नौ ही निकल जाए।
तो कोई विशेषता है इस नौ अंग की? तो हर अंग की कोई ना कोई विशेषता होगी। नौ की इस प्रकार है तो दूसरे अंकों की और दूसरे प्रकार से है। कोई ने पूछा है, बाबा मेरे को आजकल मरे हुए क्यों दिखाई देते हैं? अच्छी बात है, दुनिया ना जीती देखो, सब मरे पड़े हैं। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या मोह लगाना। जगदम्बा के हाथ में दो झाड़ू हैं, तो क्या वो दो झाड़ू यज्ञ के अंदर हैं या बाहर में हैं? झाड़ू से जब काम लिया जाता है तब ही हाथ में लिया जाता है, काम न लेने पर उसे एक कोने में रख देते हैं। कोने में रखा रहता है, अभी काम का नहीं है इसलिए कोने में पड़ा है, जब सफाई करनी होती है तो हाथ में लिया जाता है। इसे साबित होता है जरूर बाहर की दुनिया में होगा। सफाई के लिए तो एक झाड़ू होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है तो दो झाड़ू से भी काम करते हैं। बाबा जगदम्बा माता झाड़ू लगाती है तो ऊपर भी कोई झाड़ू लगाता है? जगदम्बा के रहस्य को समझना ही बड़ी बात है। जैसे शिव बाबा का पाठ है अड़भंगा, वैसे जगदम्बा का भी अड़भंगा पाठ है। शिव बाबा को कोई झाड़ू लगाएगा? नहीं। ऐसे ही जगदम्बा को कोई झाड़ू नहीं लगा सकता। अष्ट देवों में से दो मण के प्रत्यक्ष होने में बहुत साल लग गए, और छह मण के प्रत्यक्ष होने में क्या 2018 से भी ज्यादा समय लगेगा या उससे पहले हो जाएगा? बाप की प्रत्यक्षता होगी तो राजधानी स्थापन होने के बाद होगी, बल पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो लेकिन पारिवारिक एक इकाई तो तैयार होती है। पारिवारिक पहली इकाई में कम से कम कितने होंगे? आठ होंगे, तब ही बाप प्रत्यक्ष होगा। जो मुसलमानों में कुरान में भी दिखाया है, जब कयामत होगी तो आठ फरिश्ते खुदा के तख्त को उठावेंगे, माने वो आठ बच्चे ही बाप को प्रत्यक्षता के विशेष निमित्त बनते हैं।
वो संगठित होंगे या असंगठित होंगे? संगठित होंगे। दुनिया में ग्लानि होती है लोगों की, जो पतित काम करते हैं उनकी ग्लानि होती है, या अच्छे काम करते हैं उनकी ग्लानि होती है? हैं? प्रश्न आया है, संसार में जो सबसे ज्यादा पतित तन है, भगवान उस तन में प्रवेश करते हैं, तो ये बात कैसे साबित होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लानि किसकी होती है? हैं? शिव बाबा की ग्लानि होती है। किस आधार पर? शिव बाबा तो एवर प्योर है, फिर ग्लानि क्यों नहीं, क्यों होती है? ग्लानि होने का आधार कुछ है? हैं? अरे पतितन ही तो आधार है। कृष्ण को काला दिखाते हैं, कृष्ण को गोरा दिखाते हैं, कृष्ण गालियां खाता है, कृष्ण की महिमा होती है, गायन होता है। कब गायन होता है? जब पतित होता है तब गायन होता है, काला बनता है तब गायन होता है, या पावन बनता है तब गायन होता है? पावन बनता है तो गायन होता है, काला बनता है तो गायन होगा या ग्लानि होगी? ग्लानि होती है। इसे साबित हो जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लानि होती है शिव बाबा की, क्योंकि पतित से पतित तन में आते हैं, उस पतित तन के आधार पर ग्लानि होती है, उसके बाद ग्लानि किसकी होती है? हैं? ब्रह्मा बाबा की। इस धरती के चैतन्य सितारे एक स्थान पर इकट्ठे होंगे तो क्या अंतरिक्ष के सितारे भी इकट्ठे होंगे? अंतरिक्ष के सितारे भी सारे एक एक स्थान पर इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि असंख्य सितारे हैं। ऐसे ही जो चैतन्य सितारे हैं 500-700 करोड़, वो भी एक स्थान पर इकट्ठे नहीं होते। हाँ, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले ऑलराउंड पार्टधारी हैं, 4.5 लाख आत्माएं, वो एक स्थान पर इकट्ठी होती हैं। ऐसे ही अंतरिक्ष के भी थोड़े सितारे इकट्ठे हो सकते हैं, आपस में टकरा भी सकते हैं विनाश के टाइम पर। राम रावण कब बनता है? जब सब अपना करिश्मा दिखा दिखा के ठंडे हो जाते हैं, तब अंत में राम ही रावण बनता है।
और अंत में रावण बनता है तो क्या सबके लिए बनता है या कुछ आत्माओं के लिए बनता है? सारी दुनिया के लिए बनता है। रावण किसे कहा जाता है? रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। तो आठ के लिए रावण नहीं बनता है और बाकी सब के लिए, बाकी सब के लिए तो रावण बनता है। रावण बनता है बात तो सभी नामसान मिल जाते हैं। इस समय राम को क्या जानकारी नहीं है? क्या नहीं? जान पहचान काम आएगी उस समय। बाप जब सदगुरु का रूप धारण करेगा तो चाहे कितना भी अजीज से अजीज क्यों न हो, स्ट्रिक्ट रूप रहेगा या तरल रूप हो जाएगा? जगन्नाथ की दो भुजाएं कटी हुई हैं, तो ये दोनों भुजाएं किसकी यादगार हैं? अरे जरूर कोई राइटियस भुजा है, एक लेफ्टिस्ट भुजा है, वो कौन है? भारत माता और जगदम्बा। वो भुजाएं अभी कटी हुई हैं या जुड़ी हुई हैं? हाँ, कटी हुई हैं। जगन्नाथ कलयुग के अंत में जगन्नाथ है या सतयुग आदि में जगन्नाथ होता है? कलयुग का नारायण है तो भुजाएं कटी हुई हैं, सतयुग आदि होता है तो भुजाएं जुड़ जाती हैं, फिर जगन्नाथ नहीं कहा जाता है, फिर उसे विष्णु कहा जाता है, भारत कहा जाता है। सन्यासी में और गृहस्थी में क्या अंतर है? हरि बात का अंतर है? गृहस्थी घर ग्रस्त में रहते हैं, पवित्र और अपवित्र की परिभाषा क्या है? पवित्र प्रसन्न रहेगा, जहां प्योरिटी होगी वहां पीस प्रॉस्पेरिटी होगी, अपवित्र ऐसे नहीं होगा। एक सच्चे ब्राह्मण का गुण क्या है? प्योरिटी। और बाबा ने भाई ने कहा था कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओम माने आ उ मा की मंडली, आ माने ब्रह्मा। इस समय बाबा बाहर की दुनिया में बहुत बड़े बड़े खजाने जो छुपे हुए थे वो जागर हो रहे हैं।
सौ सौ हजार करोड़ के जो है खजाने हैं और जो छुपे हुए थे जिसका पता ही नहीं था वो आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका इसका देह में क्या अर्थ है? बड़ी बड़ी खानियां बाहर निकलेंगी, ज्ञान की खानियां निकलेंगी, ज्ञान के रतन भी बाहर निकलेंगे। अभी क्या प्रत्यक्षता होगी बाप की, तो ज्ञान के आधार ही प्रत्यक्षता होगी या अज्ञान के आधार पर होगी? गुप्त धन पर तो गवर्नमेंट की जो है परमिशन नहीं है निकालने की। गुप्त धन तो गवर्नमेंट निकालने नहीं देती थी। गुप्त धन को जमीन में दबा हुआ धन है, हाँ, उसको निकालो तो गवर्नमेंट आ जाती है छापा मारते। और जो गुप्त नहीं है, तहखानों में पड़ा हुआ है और ट्रस्ट के लोग जानते हैं कि ये तहखाने में पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट नहीं ले लेती है? गवर्नमेंट शिष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी है? एक उनका कोई नियम कानून होता है। धन के मामले में तो अपने बेसिक में भी बहुत धन है। धन जो सदाचार से कमाया हुआ होता है वो धन धन होता है, या दुराचार से कमाया हुआ धन धन होता है? इसके कारण जो धन इकट्ठा किया हुआ है स्थूल धन, हाँ, तो वो भी तो एक दिन गवर्नमेंट उसका भी तो हिसाब मांगे। वो मन का धन है तो बर्बाद हो ही जाएगा। असली धन तो सत्यता का है, सद्व्यवहार है, सदाचार है, वो नष्ट नहीं हो सकता। जी ने कहा है कि आगे जाकर से तुम्हें बहुत से मकान जो है वो खाली मिलेंगे, तो ये विनाश से पहले ही सेवा के लिए मिलेंगे। तुम्हें कोई मकान नहीं बनाना है आगे चल करके आपको? कोई मकान क्यों नहीं है, दुनिया में तो मकान ही मकान बन रहे हैं, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है। बाबा ने कहा कि आगे आपके ही काम आएंगे, हाँ, दुनिया के जो मकान है। हाँ हाँ, जब ज्ञान का लेन देन बढ़ेगा तो मकान भी ढेर सारे मिल जाएंगे, तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे, तो क्या बनाने पड़ेंगे? ओम शांति।